Assalamu alaikum, my dear classmates, students. Welcome again in the online lecture of History, Chapter 4. Myself, Shafiq Rahmatullah, from New Bharati School, Idalgaonipura. Today, I will discuss the fourth chapter of English, that is, Tribalism, the Kuvas, and the region of Golden Age. First, I will read the modern text. After that, I will translate it into the Urdu. Let's read the modern text first. In 1895, a man named Girsa was seen roaming the forests and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers, he could cure all diseases and multiple men. Girsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from slavery of the Kuvas. Outsiders, soon thousands began following Girsa, believing that he was Bhagwan, God, and has come to solve all their problems. What these lines mean, I will translate it into the Urdu. Hope you will draw your kind attention towards this. In 1895, a army had Birsa Munda. वो छोटा नागपुर एक जगह है झारखंड में, वो उनके फॉरेस्ट में घूम रहा था क्योंकि वो ट्राइबल थे, ट्राइबल से बिलोंग करता है। अगर हम देखें ट्राइबल की डेफिनेशन, ट्राइबल वो लोग होते हैं या वो कम्युनिटीज होते हैं जो एसोसिएट होते हैं फॉरेस्ट के, जो फॉरेस्ट जंगलात में जीते अपना रोजमर्रा की जिंदगी जंगलात में जिया करते हैं। यह भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से था बिरसा मुंडा। तो क्या हुआ, बिरसा मुंडा ने बिरसा मुंडा के पास एक जादुई शक्तियां थी, miraculous powers, as mentioned in your text, miraculous powers. उसने क्या करता था, वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, जो भी पैदावार थी, जो हमें खेत से मिलती थी, उसको वो दुगना भी कर सकता था, दुगना भी कर सकता। कैसे कर सकता था, अपने शक्तियों के जरिए। तो बिरसा ने खुद बोला कि जो भगवान है उसने मुझे अपॉइंट किया, उसने मुझे बनाया। क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्या काम रखा, काम यह रखा कि आप अपने लोगों को बचाओ, किससे, गुलामी से। किनकी गुलामी से, दिकूस कौन है, आउटसाइडर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उनकी गुलामी से अपने ट्राइबल लोगों को बचाने के लिए उसको गार्ड ने अपॉइंट किया। उस वजह से लोग ने उसे बहुत फॉलो किया और उसे भगवान मानने लगे। क्यों भगवान मानने लगे, ताकि वो उनको जो उनके दुख दर्द है, रोजमर्रा के दुख दर्द है, जैसे वो स्लेव थे, गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, जो उनसे वो जुल्म, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता था, वो सोच रहे थे जो बिरसा मुंडा है वो हमारी मुश्किलों का हल निकाल लेगी। इसके बाद क्या, बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, मैं आपको बोला, ट्राइबल पीपल वो होते हैं जो जंगल में अपनी जिंदगी जीते हैं। वो किस ट्राइब से है, मुंडास की, मुंडास एक ट्राइब है, उसी ट्राइब से बिलोंग करता था। जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में गुजर बकरवाल है एक ट्राइब, वैसे ही असम, उड़ीसा में, झारखंड में या आसाम में बहुत सारे ट्राइब्स है, जैसे कि झारखंड में मुंडास है, मुंडास एक ट्राइब है, जैसे कि यहाँ पर बकरवाल है जम्मू कश्मीर में, तो इसी ट्राइब से बिलोंग करता था बिरसा मुंडा। उसके बाद But his followers included other tribals of the region. मगर उसके followers सिर्फ मुंडास के, मुंडास tribal के tribal के ही नहीं थे, बल्कि बाकी tribals के भी followers थे। किस-किस tribals से यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, ने संथाल, ने कोयल, all of them in very different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. वो बहुत ज़्यादा नाराज थे किससे, जैसे British rule ने changes की उनकी lives को, उनके उनके कल्चर को, उससे बहुत नाखुश थे। दैट इज व्हाई, ताकि उनसे मुकाबला करने के लिए वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, बिरसा मुंडा को, ताकि उनके मुश्किलों का हल निकाले। उसके बाद क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, कौन से प्रॉब्लम आप बिरसा ये हल करेगा उन लोगों की, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे लिखा है, Who were the outsiders being referred to as the Kuvas? कौन थे outsiders? कौन थे बाहर के जिनको हम बोल रहे थे the Kuvas? ठीक है? उसके बाद एक और क्वेश्चन है, How did they enslave the people of the region? उन्होंने कैसे गुलाम बनाया इन tribal peoples को, या agriculture पे
आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ क्लियर नहीं होगा। ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में बिट बाय बिट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की, जो एक गाइड ऑफ 5 मॉड्यूल्स गोल है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया। आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स, नेमली इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंसेप्चुअल पार्ट, एंड लास्टली वी विल कम टू द यूनिट विद आवर व्यूज। उसके बाद द फर्स्ट यूनिट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी, उनको एको नाम से बोला जाता है, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, वो कैसे रहते थे। 19वीं सदी में जो ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो ट्राइबल पीपल एक ही जगह नहीं होते, हर पार्ट में थे, हर एक इंडिया के पार्ट में थे, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इंक्लूड थे, वो मुख्तलिफ काम काज करते थे। उनमें से पहली जो पहला ट्राइब था वो क्या काम करते थे, उनको बोला जाता था जंप कल्टीवेटर्स। जो पहला ट्राइब था उनका नाम था जंप कल्टीवेटर्स। जंप कल्टीवेटर्स क्या होता है, जंप कल्टीवेटर्स वो होते हैं जो शुद्ध करते हैं कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डिमांड्स, जहां पर पानी मिलेगा, जहां पर उनको अच्छी हवा मिलेगी, जहां पर उनको जमीन मिलेगा, जहां पर उनको खाने के लिए चीजें मुयसर हो जाएगी, वो ट्राइबल्टीवेटर जो थे वो वही पे शिफ्ट हो जाते थे। जैसे कि बकरवालस होते हैं, किसी जगह एक जगह दस दे रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह दस दे रहते हैं। ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जैसे बकरवालस जिनको हम नोमैडिक बोलते हैं, नोमैडिक बोलते हैं जिनका कोई लैंड नहीं होता, जिनका कोई अपना लैंड नहीं होता है, जिनका कोई अपना घर नहीं होता है, वो सिर्फ अपने जिंदगी को जीने के लिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद आते हैं और एक और ट्राइब था, वो बिलीव किसमें करता था, उनका रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी, हंटर्स एंड गैदरर्स, वो शिकार करते थे, और उससे अपने आपको अपने जो ट्राइब है उसको पालते थे, अपने बच्चों को पालते थे। और गैदरर्स क्या है, गैदरर्स वो जमा करते थे लकड़ियां, जो भी उनको चाहिए थे रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीज करते थे। तो दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, एंड लास्टली सम वर हर्डेड एनिमल्स। मैंने जैसे कि आपको ये परफेक्ट एग्जांपल दिए, जो हर्डेड एनिमल्स थे, जो हर्डेड एनिमल्स की ये करते थे, उनको पालते थे जानवरों को, जैसे कि शीप है, गोट्स है, जैसे आजकल के बकरवाल जो यूनाइटेड कश्मीर में, ये सुने वाला एग्जाम्पल पाते हैं हर्डेड एनिमल्स। उनके पास घोड़े भी होते हैं, उनके पास भेड़ बकरियां भी होते हैं, उनके पास उनको प्रोटेक्शन के लिए कुत्ते भी होते हैं, ताकि वो उसी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पालते हैं। That is why they are called herded animals, or herded cultivators, or herded tribal. After that, we will discuss the conceptual lecture of these theories put forward by this tribal association members and the tribal chiefs. That will be discussing in the next part of the chapter, how tribal is affected by the British rule, कैसे tribals की जो tribal थे, जो आदिवासी थे, वो क्या उनको क्या असर पड़ा British rule से, और जो golden age था ये क्या था, ये कैसे उभरी golden age, ये उन ये vision में खाओ कैसा उभरा golden age tribals के जवाब में। It will be discussed in the second part of this lecture. Wassalam.